टोंक जिले के अंदर एक बहुत खूबसूरत शहीद स्मारक हम लोगों ने बनाया है, उसका उद्घाटन आज मैंने किया है सब लोगों के साथ मिलकर। और मुझे खुशी है कि जिले में हमारे सभी सैनिक जिन्होंने शहादत दी थी देश की रक्षा करते हुए, कुर्बानियां दी थी, उनकी याद में हम लोगों ने स्मारक बनाया है। और ये स्मारक अनेक दशकों तक, अनेक पीढ़ियों तक हमको याद दिलाएगा किस तरह लोगों ने, सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे देश को आबाद रखा, सुरक्षित रखा और सब लोगों की भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्माण यहाँ पर हुआ है और टोंक शहर के लिए बड़ी शान की बात है। पूरे जिले के जो जो हमारे पास शहीद थे उनके परिजनों से संपर्क कर कर और पूर्व सैनिकों के परिवारों के साथ मिलकर इस स्मारक का हमने निर्माण किया था और इसको आगे और विकसित करने की हमारी योजना है, उसको भी हम लोग कारगर करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये गौरव की बात है कि एक टेरिटोरियल आर्मी के जो आप खुद मेंबर हैं उनके हाथों इसको आज लोकार्पण हुआ, एक गौरव की बात है। ये संयोग भी है और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे भी फौज में काम करने का मौका मिला। 2012 में मुझे कमीशन मिला था, तो पिछले 11-12 सालों से प्रादेशिक सेना में मैं काम कर रहा हूँ और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये तीसरी पीढ़ी है। मेरे दादाजी स्वर्गीय पायलट साहब वो भी फौज में थे, एयरफोर्स में थे, आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में काम कर रहा हूँ। और ये संयोग है कि ये शहीद स्मारक को एक विधायक के नाते और एक सैनिक के नाते मुझे इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी भावना जुड़ी हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में मैं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है लेकिन फौज को समृद्ध रखने के लिए देश में लाखों करोड़ों ऐसे नौजवान हैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहते हैं जिनके परिजन चाहते हैं कि उनके बच्चे और घर वाले फौज में भर्ती हों, लेकिन दुर्भाग्यवश जो योजना लगी है भर्ती की अग्निवीर, उस पर काफ़ी सवाल उठे हैं और मैं चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए क्योंकि अग्निवीर की जो भर्ती है वो सिर्फ 4 साल की नौकरी बच्चों को देती है और 21-22 साल की उम्र में बच्चा नौजवान रिटायर हो जाता है तो भविष्य की संभावनाएँ ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए हमने तो कहा और मुझे खुशी है कि कुछ और दलों ने इसका सहयोग, इसका इस बात का समर्थन किया है, तो पुनर्विचार करना चाहिए और अग्निवीर की जगह जो पुरानी भर्ती थी उसको पुनः लागू करना चाहिए। मोदी 3.0 कैबिनेट की शपथ ग्रहण कर हुआ है, अब कल तो शपथ हुई है, सुनने में आए एक आध दल ने को नाराजगी भी प्रस्तुत की है उनके सामने, तो ये तो होगा क्योंकि ये जनादेश खंडित था, ये किसी एक दल को सरकार बनाने का जनादेश नहीं था, ये एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट था और एक खंडित जनादेश था, हंग पार्लियामेंट थी। अब मिलीजुली सरकार बनी है, अब भविष्य में देखते हैं क्या आगे होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह का रवैया और जो शासन पिछले 10 साल में रहा वो शायद अब नहीं हो पाएगा। और अब संसद के अंदर भी जो विपक्षी दल हैं वो काफ़ी संख्या में जीत कर आए हैं, तो मनमानी तरीके से जो पहले संसद में कार्रवाई हुआ करती थी अब वो नहीं, हम नहीं होने देंगे और सारा विपक्ष एकजुट है, एक मत है और इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती के साथ संसद के अंदर, संसद के बाहर सरकार को सचेत रखेगा, जवाबदेही तय करेगा और मनमानी तरीके से जो पहले शासन चला था उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संतुलित कर कर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये कोलिशन सरकार है, भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शुरुआती संकेत तो ऐसे हैं कि तेवर ढीले पड़े हैं, जो पहले जो रवैया था उसमें तब्दीली आएगी। राजस्थान के 4 लोगों को मंत्री बनाया गया जबकि बीजेपी का प्रदर्शन बड़ा खराब रहा। अब वो मंत्री तो देखो विशेष अधिकार प्रधानमंत्री का है, लेकिन जिनको मंत्री बनाया है अभी विभाग आवंटित किए नहीं है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ जो भी व्यक्ति सांसद मंत्री बनता है उनकी डबल जिम्मेदारी बन जाती है प्रदेश के प्रति। अभी सरकार भी भाजपा की है केंद्र में राज्य में, तो मंत्री पहले भी बने थे लेकिन राजस्थान को बहुत विशेष लाभ नहीं हुआ। हम लोग इतना मांग करते रहे, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर जो किल्लत है, आज जो हालात बने हैं बिजली पानी के, उसमें केंद्र सरकार का और सहयोग मिलना चाहिए था क्योंकि सरकार भाजपा की है, अब मंत्री बने, अब देखते हैं वो कितना लाभ प्रदेश की जनता को दे पाते हैं। सिर्फ शपथ लेने से पार नहीं पड़ेगी ना, जनसेवा करनी पड़ेगी, केंद्र से हमारा जो हक है, अधिकार है, उसको लेकर आएँ, परियोजना लेकर आएँ, आवंटन बजट को करवाएं, स्कीम्स बनाएं, प्रोग्राम बनाएं, जनता को राहत मिले, तब तो मंत्री पद लेने का कोई फायदा भी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं, देखिए ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है वो कहीं ना कहीं आपस में टकराव पैदा कर कर राज करने की रही है और ये देश सबका है, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहुत सब लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय दल है या जो कैबिनेट है उसमें देश की जो परछाई है वो कहीं ना कहीं कम दिखती है, जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं।
जिले के लिए बहुत गौरव की बात है, आपने इतना टोंक को सम्मान दिया। सर एक बहुत पुरानी मांग के लिए बीजेपी अब बोल रही है कि ईवीएम में कोई तकनीकी खराबी नहीं रही। जब भी कभी कोई सवाल उठता है उस सवाल का संतोषजनक जवाब देने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। अगर पहले जब पेपर बैलेट होते थे तो चुनाव 4 चरण में होता था, अब 7 चरण में हो रहा है। पहले वोटों का इजाफा अगर होता था तो 12 घंटे 24 मिनट बाद होता था, आज 10 दिन के बाद हो रहा है। तो सवाल पूछने का अधिकार सबको है और जवाब देने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है और चुनाव अच्छी तरह संपन्न हो गए। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि लोग देख नहीं रहे, पारदर्शिता बरतनी पड़ेगी क्योंकि विपक्ष और जनता सवाल पूछते रहेंगे और जवाब उनको देने पड़ेंगे। एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की बस पर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, किस तरह बड़ा मुझे खेद है हमारे श्रद्धालुओं पर जो घिनौना अटैक हुआ और कई लोगों की जान उसमें गई, इससे बड़ा पाप कहीं नहीं हो सकता। और मैं तो चाहता हूँ कि सरकार जो भी हो वहाँ पर पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई उस पर करे और ये इस प्रकार की घटनाएँ अगर बढ़ती हैं तो चिंता का विषय है, क्योंकि अभी वहाँ अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, विधानसभा चुनाव 2-3 महीने में होने वाले हैं। इस प्रकार की हिंसा अगर बढ़ेगी, आतंकवादियों के हौसले बुलंद होंगे तो समय बहुत संकट वाला आ जाएगा। तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, सिर्फ शोक प्रकट करने से या सिर्फ खेत प्रकट करने से पार नहीं पड़ेगी, उनको उन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा जो इस प्रकार के घिनौने अपराध करते हैं। मूलभूत सुविधा, मूलभूत सुविधाओं के ऊपर पानी बिजली इसको लेकर राजस्थान को लेकर कितना तैयार है? तैयार ही है हम लोग। अच्छा चुनाव सचिन पायलट 2028 में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे राजस्थान में कांग्रेस का। अभी बहुत समय पड़ा है, हमारा संगठन मजबूत है, मैंने परसों तरसों निकाला था टोंक में, लेकिन लोग 4 साल से सरकार कांग्रेस।